हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीम अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टेक्निकल एटू में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं गिफ्ट कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, जो गिफ्ट कार्ड आपको मिलता है एटीएम कार्ड की तरह बिल्कुल होता है, और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो गिफ्ट कार्ड होता है कहाँ से मिलता है और कैसे जो है कि इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। ये जो कार्ड होता है फ्रेंड्स, ये मिलता है आप जिस कंपनी में जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ से आपको दिवाली का गिफ्ट हो सकता है, या आपके जो कंपनीज हैं उनके द्वारा किसी प्रकार के जो गिफ्ट हैं वो आपको हो सकता है कि वो मिले। तो वो एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाला एक कार्ड होता है गिफ्ट कार्ड, ठीक है। इसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जैसे कि अभी मेरे को जो है कि अपनी कंपनी से मिला है गिफ्ट कार्ड एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का जो ये गिफ्ट कार्ड है, रुपए का ये जो कार्ड है, इसमें जो भी पैसा है वो कितने देर में क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट होता है आपके विद इन 24 आवर्स में। मतलब आपको जो भी कार्ड मिला है वो आपके कंपनी की तरफ से जिस टाइम पे आपका इशू हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर में आपकी कंपनी जो है कि उसकी फंडिंग जब करती है तो उसके बाद जो आपका पैसा है वो आपके कार्ड में पहुंचता है और फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कार्ड स्वैप करके भी कर सकते हैं। जो इसमें अमाउंट दिया होगा उसको हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल है। जैसे मुझे जो मेरे को कार्ड मिला है वो है एक्सिस बैंक का रुपए गिफ्ट कार्ड, तो मैं सिंपल है, मैं एक्सिस बैंक के जो वेबसाइट है उसको ओपन करूंगा। जब मैं एक्सिस बैंक का वेबसाइट ओपन करूंगा तो वहां पे ऑप्शन आता है जो 3 बार्स जो वहां पे दिखते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वहां पे आपको प्रोडक्ट्स में जाएंगे। आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो वहां पे कार्ड्स लिखा होगा, आप कार्ड्स पे क्लिक कर देंगे। जब आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो नीचे आप देखेंगे प्रीपेड कार्ड्स लिखा होगा, प्रीपेड कार्ड्स पे क्लिक करिए और ऊपर टॉप पे आप जब देखेंगे तो वहां पे लॉगिन का ऑप्शन दिया होगा। लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा लॉगिन करने के लिए आपको मांगेगा और नीचे लिखा होगा पासवर्ड यानी पिन, वेब पिन डालने के लिए। तो आप अपना जो कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर वहाँ डालेंगे, फिर नीचे जो एक पासवर्ड जहाँ पे मांग रहा है वहाँ पे आपको वेब पिन मिला होगा जिस टाइम पे आपको कंपनी ने जो गिफ्ट कार्ड आपको दिया है उसी टाइम पे उन्होंने आपको एक, जैसे एटीएम कार्ड में हमें पिन मिलता है सेम वैसे ही इसमें भी मिला होगा। आप उसको ओपन करिए और ओपन करने के बाद उसमें देखेंगे तो एक एटीएम पिन लिखा होगा उसके अंदर और एक वेब पिन लिखा होगा। उस वेब पिन को आपको इंटर करना है वहाँ पे। जब इंटर करेंगे तो लॉगिन पे आप क्लिक करें, लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कार्ड का 4 डिजिट है वो दिखाएगा और कितना अमाउंट है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आपका विद इन 24 आवर्स हो चुका होगा तब। एक और चीज़ होता है कि आपका जब भी फंडिंग आपका कंपनी आपके कार्ड में करती है तो आपका जो भी बैंक का कार्ड है उसके द्वारा SMS भी आता है कि आपको इतना अमाउंट आपके जो कार्ड है उसमें क्रेडिट किया गया है। तो आप इस तरह से भी आप इसकी जो है कि जानकारी आपको मिल जाती है इसके बारे में। अब आते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहीं शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे आप डेबिट कार्ड को स्वैप करके यूज करते हैं इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो अमाउंट होगा, ले सपोज 700 का है, ले सपोज 1000 का है या 5000, जो भी अमाउंट है उसी अमाउंट के अंदर में ही आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए वरना वो फिर ट्रांजेक्शन ही डिक्लाइन हो जाएगा। तो आप उतना ही अमाउंट का कुछ भी आप परचेस कर सकते हैं स्वैप करके। या अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस कार्ड का इस्तेमाल अमेजोन के जो है ऐप पे करूं तो डेफिनेटली वहां भी कर सकते हैं। वहां पे आप जो भी सामान सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के अमाउंट का अंदर होना चाहिए, या अगर अमेजन पे बैलेंस में आपका बैलेंस होगा तो फिर आप कर सकते हैं। तो उतना अमाउंट आपके कार्ड से डेबिट होगा और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होगा आपके अमेजन पे बैलेंस से जो है कि अमाउंट डेबिट होगा। अब करना कैसे है इसको, आप सिंपल है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिखा होगा उसके नीचे, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा ऐड कार्ड, ऐड कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। कार्ड नंबर डालने के बाद जो है कि आपसे एक्सपायरी डेट मांगेगा, एक्सपायरी डेट डालिए, CVV नंबर आपसे एंड में मांगेगा क्योंकि पहले आपसे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि आपका जो भी OTP है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे गया होगा
या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया होगा, तो वो OTP से आपको वेरीफाई कराएगा पहले। उसके बाद आपको CVV नंबर डालना है और फिर जो ट्रांजेक्शन है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी आप अमेजन से भी उसका परचेजिंग ईजिली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी आपको मैंने जानकारी दी है, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।